हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को HRTC की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चंडीगढ़ मनाली NH पर 14 मील के पास बस पलट गई। बिलासपुर डिपो की ये बस मनाली से दिल्ली जा रही थी। हादसे में चालक समेत 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पतली कूहल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी सभी यात्री सुरक्षित हैं। थाना प्रभारी पतली कूहल लखनपाल ने बताया कि बस में करीब 40 लोग सवार थे। हादसे के समय तेज बारिश हो रही थी। जैसे ही बस 14 मील पहुंची तो लिंक रोड से एक कार आई, जिसने अचानक कट मारा। कार को बचाने के चक्कर में बस चालक ने भी कट मारा और बस साइन बोर्ड से टकराकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में चालक प्रदीप, परिचालक राजकुमार, धीरज शर्मा निवासी कांगड़ा, भागी देवी, कारजू देवी निवासी कुल्लू व भगवती देवी निवासी लगवैली घायल हुए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी मौके पर पहुंचे और घायलों का कुशल क्षेम जाना। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस रोड से इधर जा रहे थे और काफी बस स्पीड हुई और इसके धोखे जस्ट पलट गई। ऐसा तो नहीं लगा आपको कि ड्राइवर की गलती है? वैसे तो नहीं, बस पे अचानक से ब्रेक उन्होंने मारे, बारिश हो रही थी ना तो स्पीड हो गई तो वो पलट गई। ये था कि किसी को अंदर लगी नहीं, मेजर चोट नहीं लगी। बस भरी हुई थी या खाली थी? बस में एवरेज थी, ज्यादा पूरी भरी नहीं।